नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का 15वां ओडीआई मुकाबला खेले जाने वाला है, और अगर आप भी इस मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सारे खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप जाने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और साथ ही साथ इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है, और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूं कि इस पिच की रिपोर्ट क्या है और इस वाले पिच के ऊपर कौन से बॉलर को अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताने वाला हूं जो कि आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाने में काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हां, लाइक का टारगेट सिर्फ 3000 का है और मुझे उम्मीद है आप सभी से 3000 लाइक तो पूरा करवा ही दोगे। तो भाई, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक का बटन दबाइए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपर ही ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वांटन डिकोक देखने को मिल जाएंगे, हेनरी क्लासन देखने को मिल जाएंगे, एडवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो एन क्रोइस देखने को मिल जाएंगे। ये सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब इन चारों खिलाड़ियों में से आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन सा होने वाला है जिसको आप अपने ग्रैंड लीग की टीम के अंदर भी लेके चल सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्वांटन डिकोक की। काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लगातार दो मुकाबलों के अंदर काफी जबरदस्त खेलते हुए आ रहे हैं, मतलब इनकी फॉर्म काफी जबरदस्त है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि इस वाले मुकाबले के अंदर ये चल पाएंगे, सीवीसी के लिए बेस्ट खिलाड़ी है या नहीं है, वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो अगर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर भी लेके चलना चाहो तो भी इस वाले मुकाबले के अंदर लेके चल सकते हो। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको हेनरी क्लासन देखने को मिल जाएंगे। देखो गाइस, हेनरी क्लासन के भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और ये भी बड़े बड़े मैचों के अंदर काफी अच्छी अच्छी पारियां भी खेलते हैं। लेकिन गाइस, सामने वाली जो टीम होगी वो अब की बार यहाँ पे नीदरलैंड होगी, और नीदरलैंड के पास में वैसे भी बॉलर काफी जबरदस्त है, तो यहाँ पे क्या पता यहाँ पे हेनरी क्लासन का विकेट भी काफी अच्छा चटक सकता है। तो इस वाले मुकाबले के अंदर अगर आप हेनरी क्लासन को ड्रॉप आउट करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाला है और इस वाले मुकाबले के अंदर फ्लॉप ही जाएंगे। बाकी हाँ गाइस, यहाँ पे एक खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और वो है यहाँ पे एडवर्ड। पिछले दो मुकाबलों के अंदर ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करके आ रहे हैं और जल्दी जल्दी फ्लॉप भी हो रहे हैं। लेकिन गाइस, नीदरलैंड अगर ये मुकाबला नहीं जीती तो यहाँ पे ये 3 बार लगातार हार जाएगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो यहाँ पे नीदरलैंड भी पूरी की पूरी वापसी कर सकती है। इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना, जिस तरीके से पिछले मुकाबले के अंदर अफगानिस्तान ने किया था इंग्लैंड के सामने, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी हमको देखने को मिल सकती है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार साउथ अफ्रीका पिछले दो मुकाबलों के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है तो भाई इस वाले मुकाबले के अंदर भी जीत जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे सामने वाली जो टीम है नीदरलैंड, ये भी भारी पड़ सकती है साउथ अफ्रीका के ऊपर। इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। और साउथ अफ्रीका पिछले दो मुकाबले जीते हैं उनका मेन कारण यहाँ पे क्वांटन डिकोक ही है, क्योंकि आपको पता है कि क्वांटन डिकोक ने ही काफी अच्छे अच्छे रन बनाए थे, और वो पिछले दो मुकाबलों के अंदर अगर क्वांटन डिकोक जल्दी आउट हो जाते तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका पिछले दो मुकाबले हारी हुई होती। इनके चलने की वजह से पिछले दो मुकाबले ये जीत के आ रही है, तो यहाँ पे नीदरलैंड ने अगर जल्दी क्वांटन डिकोक का विकेट निकाल दिया तो भाई यहाँ पे साउथ अफ्रीका हारने की कगार पे भी आ सकती है। इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। आप ये भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि भाई साउथ अफ्रीका पिछले दो मुकाबले जीत के आ रही है तो भाई इस वाले मुकाबले को भी जीत जाएगी, ऐसी गलतफहमी मत पालना, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रिकेट है, जस्ट यहाँ पे अपोजिट भी हो सकता है कभी भी, ये चीज भी हमेशा ध्यान रख के चलना है, और इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहकर टीम को क्रिएट करना है। बाकी हेनरी क्लासन को ड्रॉप आउट करके एडवर्ड्स को आप इस वाले मुकाबले के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे एन क्रोस को आप चाहो तो ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होगा। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा जिसको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी क्वांटन डिकोक को इस वाले मुकाबले के अंदर सीवीसी बनाना है या फिर नहीं बनाना है, वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपर ही ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको वेन डूरडूसन देखने को मिल जाएंगे, ओडाउट देखने को मिल जाएंगे, तेम्बा बबूमा देखने को मिल जाएंगे, डेविड मिलर देखने को मिल जाएंगे, बर्सी देखने को मिल जाएंगे, हेंड्रिक्स देखने को मिल जाएंगे, वी सिंह देखने को मिल जाएंगे, निम्बा मारू देखने को मिल जाएंगे। ये सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे पहला जो खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पे वेन डूडसन होने वाले हैं। पिछले मुकाबले के अंदर ये भले ही फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले के मुकाबले के अंदर ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस हमको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और वैसे साउथ अफ्रीका यहाँ पे बैटिंग करने का फैसला लेती है तो यहाँ पे ये 70 या फिर 80 रन बना के भी दे सकते हैं, इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। तो इस वाले मुकाबले के अंदर आपके लिए डूडसन का जो ऑप्शन है वो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, तो इनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे ओडाउट को आप चाहो तो ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे, और वैसे इनके रिकॉर्ड भी ज्यादा कुछ खास नहीं है और इस वर्ल्ड कप के दो मुकाबलों के अंदर भी फ्लॉप गए हैं, और वैसे भी नीदरलैंड के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस्टमैन नहीं है, तो इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो भाई इनको
भी यहाँ पे ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी हाँ गाइस, पिछले दो मुकाबलों के अंदर तेंबा बुबुमा ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गाइस अब की बार ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करके दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम नेदरलैंड है और नेदरलैंड के सामने इनका रिकॉर्ड भी काफी जबरदस्त है। तो यहाँ पर आप अगर तेंबा बुबुमा को लेके चलना चाहो तो भी लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर टीम को जिताने की रिक्स आने वाली है, तो इसीलिए शायद ये चल सकते हैं। तो तेंबा बुबुमा को आप चाहो तो लेके चल सकते हो, बाकी डेविड मिलर को आप ड्रॉप आउट कर लेना, इस वाले मुकाबले के अंदर फ्लॉप जाने वाला है और इनकी विकेट भी जल्दी चटकने वाली है, तो आप इनको ड्रॉप आउट कर लेना। बाकी यहाँ पर बर्सी को आप चाहो तो भी इनको ड्रॉप आउट कर लेना, क्योंकि इनके खेलने के चांसेस कम है। पिछले दो मुकाबलों के अंदर भी ये नहीं खेल पाए थे और इस वाले मुकाबले के अंदर भी इनके खेलने के चांसेस कम है, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप आउट ही कर रहा हूँ। बाकी हाँ गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्शन से हमको कौन से प्लेयर को ड्रॉप आउट करना है और कौन से प्लेयर को लेना है, और साथ ही साथ बेस्ट सीवीसी का हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी होगा। बाकी मेरी जो फाइनल प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी आपको शाम को देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए। और मैंने दो अलग अलग वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आपको पता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इसीलिए अब से आपको दो पार्ट में वीडियो देखने को मिलेगी, तो इस चीज को भी आप नोटिस जरूर कर लेना। बाकी यहाँ पे बर्सी को आप ड्रॉप आउट कर लेना, और हेंड्रिक्स अगर खेलते हैं और लाइनअप में आते हैं तो आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे इनके शायद खेलने के चांसेस कम होने की वजह से आप इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी हाँ गाइस, एक खिलाड़ी का ऑप्शन आपके लिए काफी जबरदस्त होने वाला है, वो है यहाँ पे विक्रम सिंह। आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इस वाले मुकाबले के अंदर विक्रम सिंह को भी लेके चल सकते हो। इस वाले मुकाबले के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है और नेदरलैंड अगर वापसी करेगी तो यहाँ पे विक्रम सिंह का भी ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इनको भी लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे निम्बा मारू को आप ड्रॉप आउट कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैंने आपको बताई दिया है, जिसके अंदर दो खिलाड़ी आप ऊपर से देख सकते हो और तीसरा जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर आपका विक्रम सिंह होने वाला है। ये तीन खिलाड़ी जो बेस्ट होंगे इस वाले मुकाबले के अंदर, जिसको आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर भी लेके चल सकते हो। बाकी जितने भी खिलाड़ी बैटिंग वाले सेक्शन में है आप यहाँ पे ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ खास नहीं आने वाला है और वो फ्लॉप ही जाने वाले हैं। बाकी डुडसन को आपको सीवीसी क्रिएट करना है या फिर नहीं करना है वीडियो का आगे वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए। ऊपर ही ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको एडन माक्रम देखने को मिल जाएंगे, डिलिडा देखने को मिल जाएंगे, माइक्रो जनसन देखने को मिल जाएंगे, अक्रमन देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इंग्ली बर्चित देखने को मिल जाएंगे, और ये दो खिलाड़ी तो वैसे भी इस वाले मुकाबले के अंदर नहीं खेलेंगे। अब ये पांच खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन में। अभी इन पांचों खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर एडन माक्रम को लेके चलना, क्योंकि आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप के रिसेंट के मुकाबले भी काफी जबरदस्त खेल के आ रहे हैं और वैसे इनके रिकॉर्ड भी काफी जबरदस्त है। तो पहला खिलाड़ी आपके लिए ऑलराउंडर वाले सेक्शन में काफी बेस्ट होने वाला है वो यहाँ पे एडन माक्रम होने वाले हैं, और इस वाले मुकाबले के अंदर वैसे भी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हमको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वाले मुकाबले के अंदर विकेटें भी काफी अच्छी निकलेगी और रन भी काफी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे हमको ऐसे खिलाड़ी लेके चलना है जो कि भाई यहाँ पे बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एडन माक्रम का ऑप्शन आपके लिए काफी बेस्ट होने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इनको लेके चल सकते हो। बाकी सीवीसी के लिए बेस्ट खिलाड़ी है या फिर नहीं है वीडियो के आगे वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना, क्योंकि आपको 3000 लाइक का टारगेट भी पूरा करना है। तो जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो फटाफट से नीचे लाइक का बटन है जरूर से दबाना। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको डिलिडा देखने को मिल जाएंगे, भाई काफी बेहतरीन खिलाड़ी है नेदरलैंड की तरफ से और पिछले दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों के अंदर काफी ताबड़तोड़ बैटिंग की है, और इस वर्ल्ड कप के फर्स्ट मुकाबले के अंदर तो भाई 4-5 विकेटे भी चटकाए थे एक साथ इन्होंने, और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो प्लेयर के रिकॉर्ड वगैरह काफी जबरदस्त है। इस वाले मुकाबले के अंदर भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ ये तेज गेंदबाज भी है और इस वाले पिच के ऊपर भी तेज गेंदबाज को काफी अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर नेदरलैंड वापसी करेगी तो भाई यहाँ पर डिलिडा भी पूरे के पूरे जोर लगाने वाला है विकेट निकालने में और रन बनाने में, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इनको भी जरूर से लेके चलना। बाकी गाइस, प्लेयर काफी जबरदस्त है तो भाई ये सीवीसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है या फिर नहीं है वो भी आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको माइक्रो जनसन देखने को मिल जाएंगे, इनको भी जरूर से लेके चलना, क्योंकि इस वाले मुकाबले के अंदर ये 2-3 विकेटें चटकाने वाले हैं और साथ ही साथ ये 40 या 50 रन भी बनाएंगे, तो इसलिए माइक्रो जनसन का भी ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर माइक्रो जनसन को भी लेके चल सकते हो। बाकी हाँ गाइस, यहाँ पर अगर आप लेना चाहो तो भाई अक्रमन को भी लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पिछले दो मुकाबले नेदरलैंड हारने की वजह से तो शायद इस बार नेदरलैंड के खिलाड़ियों से भी हमको काफी अच्छा एडवांटेज मिल सकता है, तो इसीलिए हम अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर ये खिलाड़ी लेके चलेंगे। बाकी यहाँ पे एंडी बर्चित को यहाँ पे ड्रॉप आउट ही करेंगे, आप भी चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देने वाला हूँ, अगर ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जो चार खिलाड़ी मैंने बताए हैं, अगर इन चारों खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी अगर नहीं खेलता है और लाइनअप में नहीं आता है तो उसकी जगह पर आप
एंडली को लेके चल सकते हो क्योंकि ये भी प्लेयर काफी जबरदस्त है। बाकी अगर ये चार खिलाड़ी खेलते हैं इस वाले मुकाबले के अंदर तो इनको जरूर से लेके चलना। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैंने आपको सारा कुछ डिटेल से बता दिया है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको खगीशो रबाडा देखने को मिल जाएंगे और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वेन बीक देखने को मिल जाएंगे, मार्वे देखने को मिल जाएंगे, शेमसी देखने को मिल जाएंगे और नीचे आओगे तो लुंगी इंगिड़ी देखने को मिल जाएंगे, मेकरन देखने को मिल जाएंगे, केशव महाराज देखने को मिल जाएंगे, कोटजी देखने को मिल जाएंगे और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आर्यन दत्त देखने को मिल जाएंगे, विलियम्स देखने को मिल जाएंगे, एस अहमद देखने को मिल जाएंगे और इन दो खिलाड़ियों को तो वैसे भी आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। अब ये सारे खिलाड़ी आपको बॉलिंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो खिलाड़ी आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो वो यहाँ पे आप खगीशो रबाडा को लेके चल सकते हो क्योंकि रबाडा पिछले दो मुकाबलों के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और इस वाले मुकाबले के अंदर भी भाई नेदरलैंड के विकेट जल्दी निकल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि नेदरलैंड के पास वैसे भी अच्छे बैट्समैन नहीं है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो बॉलर होंगे उनको भी भाई एडवांटेज मिलने ही वाला है। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर खगीशो रबाडा को भी लेके चल सकते हो और ये तेज गेंदबाज है और तेज गेंदबाज को वैसे भी काफी अच्छा एडवांटेज भी मिलेगा तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। बाकी नीचे आपको बिक देखने को मिल जाएंगे, पिछले मुकाबले के अंदर तो ये नहीं खेल पाए थे लेकिन भाई इस वाले मुकाबले के अंदर इनके खेलने के चांसेस भी है क्योंकि आपको पता है कि लगातार नेदरलैंड पिछले दो मुकाबले हार गई है तो क्या पता टीम के अंदर वापस इनको लाया जाए और ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी कर पाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर बिक को भी जरूर से लेके चलना, इनका भी ऑप्शन आपके लिए काफी जबरदस्त होने वाला है और ये भी आपको पता है कि ये भी तेज गेंदबाज है। बाकी यहाँ पे मार्वे को ड्रॉप आउट कर लेना, इनका परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है। सेमसी को भी आप चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप लेना चाहो तो भाई लुंगी इनगिड़ी को लेके चल सकते हो क्योंकि लुंगी इनगिड़ी इस वाले मुकाबले के अंदर भाई काफी अच्छी विकेटें ये भी चटकाते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी यहाँ पे आप अगर ड्रॉप आउट करना चाहो तो भाई मेकरन को भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो क्योंकि इनका परफॉर्मेंस भी ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम नेदरलैंड की तरफ से वैसे भी बेस्ट खिलाड़ी दो लेके रखे हैं जिसके अंदर पहला खिलाड़ी हमारा बिक है, दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो भाई ऑलराउंडर वाले सेक्शन में डी लीडा है और वैसे भी साउथ अफ्रीका की फॉर्म काफी जबरदस्त है तो भाई इनके थोड़े से विकेट कम निकलते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर आप ज्यादा टीमें बना रहे हो तो भाई एक टीम के अंदर बॉलर जो है वो ज्यादा रखना और साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है वो थोड़े से कम रखना क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है जिस तरीके से अफगानिस्तान ने किया था इंग्लैंड के साथ में, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है तो उसके लिए भी आप टीम को तैयार रखना। तो सारी की सारी वो ग्रैंड लीग की टीम आपको किस तरीके से बनाना है वो भी शाम को वीडियो देखने को मिल जाएगी तो वो वाली वीडियो के अंदर सारा कुछ आपको डिटेल से देखने को मिल जाएगा। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको केशव महाराज देखने को मिल जाएंगे, केशव महाराज भी पिछले एक दो मैचों के अंदर काफी धमाल मचा रहे हैं और काफी अच्छी विकेटें भी चटका रहे हैं लेकिन इस वाले मुकाबले के अंदर अगर आप इनको ड्रॉप आउट करना चाहो तो भी कर सकते हो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये नहीं होने वाले हैं। बाकी हाँ गाइस कोटजी का ऑप्शन आपके लिए काफी जबरदस्त होने वाला है इस वाले मुकाबले के अंदर, अगर लाइनअप में आ जाते हैं तो भी आप इनको जरूर से लेके चलना। बाकी यहाँ पे जो खिलाड़ी मैंने ऊपर से बताया है बॉलिंग वाले सेक्शन में उनमें से कोई खिलाड़ी अगर नहीं खेलता है तो उसकी जगह पे आप कोटजी को भी लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे आर्यन दत्त भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं लेकिन इस वाले मुकाबले के अंदर ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप इनको चाहो तो भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी ये चार खिलाड़ियों को भी आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो जिनका परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा और इनमें से काफी सारे खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो कि इस वाले मुकाबले के अंदर नहीं खेलने वाले हैं। बाकी मैंने बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको बता ही दिया कि कौन से खिलाड़ी को आपको लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को आपको ड्रॉप आउट करना है। बाकी आपको ही पता है कि जो खिलाड़ी मैंने आपको बताया है ये सारे खिलाड़ी भी लाइनअप में नहीं आने वाले हैं लेकिन जो खिलाड़ी लाइनअप में आता है और जो खिलाड़ी मैंने बताया है उनको आप लेके चल सकते हो। बाकी लगभग मैंने आपको सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन से प्लेयर को आपको लेके चलना है और कौन से प्लेयर को ड्रॉप आउट करना है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो यहाँ पे आप ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आओगे तो ये दो खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन दोनों प्लेयर को भी आप सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो क्योंकि अब की बार जो पूरा का पूरा टारगेट होगा नेदरलैंड का आउट करने का वो यहाँ पे क्वेंटिन डिकॉक का होगा और क्वेंटिन डिकॉक अगर जल्दी आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो भी बाद में बैटिंग करेंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। तो यहाँ पे एडन माकरम भी इसलिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इस चीज को नोटिस जरूर कर लेना। तो इसलिए आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर सीवीसी जो है वो दोनों प्लेयर को बना सकते हो एक टीम के अंदर। बाकी दो ऑप्शन सीवीसी के लिए और है जिसके अंदर पहला खिलाड़ी आपका खगीशो रबाडा है, रबाडा भी इस वाले मुकाबले के अंदर अच्छे खासे विकेट चटका सकते हैं तो इनको भी आप सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो। बाकी एक ऑप्शन आपके लिए डुरशन, डुरशन का भी बेस्ट होने वाला है क्योंकि इस वाले मुकाबले के अंदर ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला है। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर चाहो तो ये चार खिलाड़ी मैंने बताए हैं जिसके अंदर पहला खिलाड़ी हमारा खगीशो रबाडा और दूसरा खिलाड़ी हमारा एडन माकरम, तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे डी लीडा है और चौथे खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे डुरशन है। ये चार खिलाड़ी इस वाले मुकाबले के अंदर मेनली काफी जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप जितने भी टीमें बना रहे हो और अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो इन चार खिलाड़ियों को आप सीवीसी क्रिएट करके जरूर से
चल सकते हो, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है वो हमको इस वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी मेरी जो फाइनल प्रेडिक्शन वाली वीडियो ग्रैंडली की टीमों के साथ में, वो आपको शाम को देखने को मिल जाएगी। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपको 3000 लाइक का टारगेट भी पूरा करना है। और जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा देना। तो इस वाली वीडियो को हम यही पेंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।